से एक पल ओझल हो, मैं दूर रहूं वृंदावन से, जीवन में कभी ना वो पल हो। हाय गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम अगेन बैक विद माय व्लॉगिंग पार्टनर। सो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर आवर ओन सिटी वृंदावन एंड मथुरा। लेट्स जॉइन टुगेदर। वृंदावन का हर रास्ता, हर गली आपको एक अलग ही ऊर्जा से भर देता है। यहाँ की सड़कों पर चलने का अनुभव बिल्कुल ही अलग है। आपको हर जगह दीवारों पर सुंदर चित्र देखने को मिलेंगे। यह चित्र भगवान श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं को दर्शाते हैं और यहाँ के हर घर, मंदिर, हर दीवार पर इन्हीं अलग अलग रूप में कला की झलक मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। इस द्वार के अंदर कदम रखते ही आप एक अलग ही अद्भुत वातावरण को अपने आसपास महसूस करेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पहुंचने के बाद दिखता है ये माता का भव्य मंदिर, जिसका नाम है माँ वैष्णो देवी धाम। इस ब्रज का ही हो जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अब हम लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन चंद्रोदया मंदिर के पास, जो भारत में सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। तो चलिए हमारे साथ, आपको भी लेके चलते हैं इस मंदिर की ओर। यह मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और यह मंदिर 70 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा है। इसकी भव्यता आपको दूर से ही आकर्षित कर लेती है। जैसे जैसे आप इस मंदिर के पास जाते हैं, आपको एक बहुत ही सुंदर गार्डन देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत खूबसूरत पौधे लगाए हैं। प्रेम की अमित निशानी हो। बहुत ही सुंदर पूजा की थालियों के साथ साथ हमको बहुत ही मनमोहक भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। कृष्णा कृष्णा अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम। यहाँ के दर्शन का अनुभव बहुत ही गहरा है और इसी वृंदावन की पावन धरती पर कदम पड़े स्वामी प्रभुपाद जी के, जो कि बहुत ही महान संत हैं। यही हैं जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और कृष्ण प्रचार पूरे विश्व में किया। और ये है एक मॉडल चंद्रोदया मंदिर का, जो पूरा बनने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगा। इसी मंदिर में छोटे छोटे स्टॉल्स पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा सामग्री, राधा कृष्ण के सुंदर चित्र, माला और दूसरे धार्मिक वस्तुएं भी मिलती हैं। लड़कियों के लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस भी हैं। अगर आप उसी के नीचे वाली फ्लोर पे आते हैं तो आपको यहाँ खाने की स्टॉल्स भी मिलेंगी। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्नैक्स भी हैं। फिर मंदिर के बाहर निकलने के बाद हमने देखा एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा। इस मंदिर के पास एक रेसिडेंशियल एरिया भी है और वहाँ के लोग कितने ही खुश नसीब होंगे जो भगवान कृष्ण के इतने करीब रहते हैं। अगर आपको भी मेरी तरह सनसेट देखना बहुत पसंद है तो यू कैन ऑल्सो हैव अ विजिट टू दिस प्लेस, जहाँ पे शाम में इतना ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। तो इसी के साथ हमने किया अपना पहला मंदिर पूरा। बांके बिहारी मंदिर पहुंचने के लिए आपको वृंदावन की कुंज गलियों में से निकलना पड़ता है, जहां आपको मिलेंगे मथुरा के प्रसिद्ध पेड़े, लस्सी। कार्तिक का महीना चल रहा है और इस महीने को धार्मिक दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के चलते वृंदावन में भीड़ का सैलाब था।
भीड़ में से निकलने के बाद हमको प्राप्त हुए ये दर्शन, और यहाँ पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, आप बस इसको महसूस कीजिए एंड जस्ट फील द एनर्जी, इट्स अमेजिंग। के साथ हमारे दर्शन हुए पूरे। दर्शन करने के बाद बाहर आके हमने खाए कुछ स्नैक्स, जिसमें सबसे पहले हमने खाया ढोकला, जो कि देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था एंड इट वाज टेस्टी। एंड गाइस, यहाँ की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं। उसके बाद हमने खाए चाट एंड गोलगप्पे, फिर लास्ट में हमने यहाँ पे पी थी यहाँ की फेमस लस्सी। यहाँ की लस्सी अभी भी पुराने तरीकों से बनाई जाती है। ये लस्सी आपको मिट्टी के कुल्हड़ में दी जाती है, जिसके ऊपर मलाई लगाई जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो डोंट मिस दिस लस्सी। तो बढ़ते हैं अपने अगले मंदिर की ओर, जो कि है राधा वल्लभ लाल जू महाराज का मंदिर। यह मंदिर अभी भी बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक है, जहाँ पे सब कुछ पुराने ज़माने। तो हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी भक्त जन अपने राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कहा जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, जिन जिन को ये दर्शन प्राप्त हुए हैं बहुत ही खुश नसीब हैं वो लोग, जिनको राधा वल्लभ जू महाराज के दर्शन प्राप्त होते हैं। रस रानी की, श्री राधिका रानी की, सब भक्तन की, समस्त ब्रजवासिन की, जय जय श्री राधे। वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। यहाँ की हर दीवार हर वृक्ष पे आपको श्री राधा का नाम मिलेगा, और यहाँ के सारे ब्रजवासी श्री राधा राधा करते करते झूम उठते हैं। इसी के साथ राधा वल्लभ जी के दर्शन भी हुए पूरे। इसके बाद हम लोग चल दिए थे अगले मंदिर की ओर, जो कि था इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल जाने के रास्ते में हमको मिले कुछ ऐसे लोग जो कि कृष्ण भक्ति में लीन थे। पहुंच चुके हैं हम श्री कृष्ण बलराम मंदिर, जो कि है मथुरा का इस्कॉन टेम्पल। कार्तिक माह के चलते इस्कॉन टेम्पल बहुत ही खूबसूरत लाइट से सजा हुआ है। कृष्ण भक्त कृष्ण भक्ति में यहाँ नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, अपनी ही मस्ती में मगन है। कार्तिक माह में दीपदान की है परंपरा, हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश लाने का प्रतीक है। कार्तिक माह के इस पवित्र समय में यहाँ इस्कॉन वृंदावन में दीपदान करने का अनुभव बहुत ही ज़्यादा खास होता है। यदि आप यहाँ आएँ तो इस पवित्र माह में दीपदान ज़रूर करें और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद का अनुभव करें। राधा जी को रस तो माखन कन्हाई, राधा जी को रस तो माखन कन्हाई, कान्हा है
इन अद्भुत सुंदर मूर्तियों का दर्शन जरूर करें। यह मूर्तियाँ अलग अलग युग और अलग अलग काल को दर्शाती हैं। सब कुछ हो कर तो बाल से तुम मेरे दंद के छोटे लाल से तुम काना कुछ और तू ना देना बस अपनी भक्ति सदा देना। आखिर की जब सांस में लूं है गोविंद तेरे नाम से लूं इतनी सी है दिल की आरज़ू। तो इसी के साथ हमने भी अपना प्रसाद लिया और प्रसाद तो हर रूप में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। और वृंदावन में गाड़ियां अंदर ले जाना इतना अलाउड नहीं है, तो ये छोटी सी ई रिक्शा राइड थी जो कि हमने हमारी कार तक जाने के लिए करी। फिर फाइनली हम लोग अपने घर की तरफ निकल चुके थे। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा।